आरजू की कद काठी देखकर जब भाभू इतनी परेशान है, तो जब भाभू को आरजू की पाकिस्तान वाली सच्चाई पता चलेगी तो पता नहीं भाभू पर क्या गुजरेगी। तूने ही तो कहा था ना कि आरजू ना एकदम फूल सी नाजुक है। छोटू और आरजू की जोड़ी ना एकदम गिल्ली डंडे जैसी है, मारे से एक बिलांग ही ऊपर है। इमली भीमनी की तरह दुबली है ना। अरे थारे को मुस्तंडी को नहीं दिखी? अरे मीना बोलना, क्या बोल। माफ कर दो बाबू, मारी बात सुनो, मारी बात सुनो। जेठानी जी मैंने पहले ही बहुत डांट चुकी, बहुत सुना चुके बाबू। मैंने इसे नहीं देखा था, मैं हैदराबाद गई कोनी। बाबू हमारी मायके में शादी थी तो शादी पे चली गई और वहाँ पे वो लुटेरी दुरत मरी ने हमारी सारी चीजें लूट ली। मैंने तो वो हवाई जहाज की टिकट भी कराई थी पर वो भी चली गई। बाबू देखिए बताओ, मैं आपसे बड़ा डर गई थी तो मैंने झूठ बोल दिया। अरे क्या बकवास किए जा रही है, आप खुद मत कह रहा, आपको गोलू और गोलू के पापा की सजा। एक से एक बढ़कर पड़े हमारे घर में, महाराज करम फुटेड़ा है। एक लंगड़ो एक काणी, मैं एकली सियाणी, अब जे मुस्तंडी ने कहीं संभालू। इतनी अजीब सी बात है ना, चार दिन हो गए शादी की रस्मों को और परिवार में किसी को हमारी लंबाई चौड़ाई के बारे में नहीं पता चला। सूरज बता मारे को, हाँ पता है मारे को, माना मैंने ये जेठ जी के रूप में ना लाज शर्म में तू ना देख पायो बरा, रे कद काठी तो देख पाई कि नहीं? के? अरे हाँ बोल बाबू। हाँ वैसे अपने छोटों की कद काठी भी तो मुझे लगा है कि अच्छा मेल है। राम जी मारो ही करम फुटेड़ा है, मैं भी किस चोरी से पूछ रही, सूरज से? अरे तू तो चांद में भी दाग को नहीं निकाल सके। पिया तुम आज यहाँ होती तो कितनी खुश हो जाती, बाबू को पसंद नहीं आई अपनी बहू। तू तो रहने दे छोरा, थारे से पठीने के देख रहे हो? अठीने देखो मारे कानी, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपने। ब्याह में रेशम जी ने शायरी सुना रिया था, हा? और कठे भी ध्यान हो, रे बीरनी की कद काठी को नहीं देख सकी के? अब मुंडी के लटका रहा हो, जवाब दो मारे। संतोष तो फालतू में सबको दोष दे रही है, तू भी तो बैठे थी चार दिन तक, तूने क्यों नहीं देखा आरजू बिंद्रनी ने जो खड़ी है? सत्तर काम हुए मारे को, बुढ़ी लुगाई हूँ, घर परिवार में सारा काम मारे को ही निपटाना पड़े है। रे मारा राम जी, एक से तू बता मारे को, इमली बीनड़ी तू भी ना देख सकी? रे इतनी बड़ी मुस्तंडी घर में आ गई, अरे अठीने बठीने क्या देख रही है? बाबू वो मैं, अरे मैं बकरी की तरह क्या करे है, जवाब दे मारे को। बाबू मैंने नहीं देखा। मारा राम जी, संध्या बीनड़ी, रे मारा राम जी, मैं थारे को क्या भूल गई? तू तो अपने आप ने इतनी बड़ी आईपीएस अफसर नहीं बने, चील की नजर रखे है, दूर से ही मुजरिमाने पकड़ लेवे है। रे इतनी बड़ी मुस्तंडी ना दिखी थारे को? सबने देखो, सारे गर्दन झुकाए खड़े हैं। आप लोगों से ना बात करनी बेकार है, मारा ही करम फुटे।
आपको नजरें चुराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। प्यार से दिए गए इस नाम में तो बहुत मिठास है। इस नाम से तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। हैदराबाद से यहां तक हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। बस एक यही नाम तो है जिसने हमारा साथ अभी तक नहीं छोड़ा, मुस्टंडी। हैदराबाद में भी सब हमें इसी नाम से बुलाते थे। बाबू, आप हमारा स्वागत नहीं करेंगी? स्वागत तो जरूर होगा। देखो ना, भाभा ने पूरा इंतजाम किया है आप दोनों के स्वागत के लिए। आइए छोटी देवरानी जी, आते ही तीनों बिंदनियों को लेन में खड़ा कर दिया। इसको तो मैं बहुत में बताऊंगी। कोई बात नहीं। इमली बीनड़ी जी समेट दी। मीना बीनड़ी कुमकुम की थाल लेकर आए। जा 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 मीना। छोटू नीचे है और इस थाल में कदम रखकर ना आगे बढ़े। आए
थाली भी छोटी पड़ रही है। रुकी क्यों? क्या हमें आप मिल सकता है? आप के मिल सके? आप मैं तो तेरे पास हूं, पर तू रसम तो पूरी कर। आप नहीं, आप जी क्यों? ये बिन्नी तो बड़ी चतुर निकले, आते ही मतलब चाबी मांगने लगे घर की। आपका मतलब चाबी होवे है ना? नहीं नहीं, वो जो किसी में भी डालो और वो वैसे ही हो जाता है। इसमें डालो वैसे ही हो जाता है। अब मैं समझ गया। आजू बेटा, आप मतलब होवे हैं आलू मसाला। वड़े में डालो तो बड़ा बन जावे, समोसे में डालो तो समोसे जैसा बन जावे, और पराठे में डालो तो पराठा ही बन जावे। नहीं, जो बेहतर रहता है। नाक नाक जो बहती रहती है वो। नहीं, वो जिसका कोई रंग नहीं होता। अच्छा, मैं समझा। ये हवा की बात कर रही है, मतलब गैस गैस हो जाती है ना। अपनी वाली बात मत बता। की बात कर रही मीना? नहीं बाबू, पानी। यही तो मांग रहे थे हम, यही तो होता है। आप नाम तो मैंने कदी को नहीं सुना। जयपुर से लेकर के जबलपुर तक सब लोग तो पानी ही बोले हैं। जे आप एक शब्द समझने के वास्ते आधा घंटा लग गया। पता नहीं कैसे निभेगी पूरी जिंदगी हमारी छोटों के साथ। किस्मत हमारी मोहब्बत के साथ है पिया। Thank you.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।